कहानी की शुरुआत में ही हम सेंट टेरेसा कॉलेज के फॉर्मर डीन योगेंद्र को देखते हैं, जिनकी तबीयत बहुत खराब है और वो अपने आखिरी सांसें ले रहे हैं। और उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने लास्ट बैच के स्टूडेंट से मिलना चाहते थे। और इसके बाद कहानी 10 साल पहले जाती है, और जहाँ पर हम सेंट टेरेसा कॉलेज में डीन योगेंद्र को देखते हैं, जो कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। इसके बाद हम स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट रोहन को देखते हैं, जो कि एक रॉक स्टार बनना चाहता था। और रोहन एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून अशोक नंदा का बेटा था, और अशोक नंदा इस स्कूल के बहुत बड़े ट्रस्टी थे। और अशोक अपने बड़े बेटे अजय से बहुत प्यार करते हैं, और रोहन के साथ उनकी कुछ खास बनती नहीं है, और वो रोहन के म्यूजिक को लेकर पैशन को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और उन्हें लगता था कि रोहन अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम सनाया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और वो भी काफी अमीर थी, लेकिन उसके फैमिली भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से काफी डिसअपॉइंटेड थी। और रोहन और सनाया एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन रोहन हमेशा तानिया नाम की स्कूल की दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, जो कि सनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और वो रोहन को हमेशा वार्निंग देती थी, लेकिन फिर भी रोहन अपने हरकत नहीं सुधारता था। और रोहन के बेस्ट फ्रेंड का नाम था जीत, और सनाया के बेस्ट फ्रेंड का नाम था श्रुति। और इसके बाद स्कूल में अभिमन्यु नाम का एक नया स्टूडेंट आता है, और देखते ही देखते अभिमन्यु भी पूरे कॉलेज में पॉपुलर होने लगता है। और वो एक ऑलराउंडर था, वो जितना अच्छा पढ़ाई में भी था उतना अच्छा स्पोर्ट्स में भी था। और अभिमन्यु की बढ़ती पॉपुलरिटी को देखकर रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और अभिमन्यु और रोहन के बीच हमेशा कुछ न कुछ लेकर झगड़ा होने लगता है। इसके बाद अभिमन्यु को स्कूल के फुटबॉल टीम में सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो अभिमन्यु को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और इसके बाद उनके कोच से जब अभिमन्यु को डांट पड़ती है, तब रोहन को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो उससे जाकर सॉरी कहता है, और फिर वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। और रोहन सनाया के साथ अभिमन्यु की मुलाकात करवाता है। अभिमन्यु के पेरेंट्स नहीं थे, और वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था, और उसकी दादी भी थी। चाची उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, और उसे हमेशा ताना मारा करती थी, और अभिमन्यु अपने दादी से बहुत प्यार करता था। इसके बाद स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के बारे में कहा जाता है, और जो स्टूडेंट ये कंपटीशन जीतेगा उसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगा। और इस कंपटीशन में स्पोर्ट्स से लेकर डांस सब कुछ रहेगा, और अभिमन्यु को किसी भी हालत में ये कंपटीशन जीतना ही था, क्योंकि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहता था ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बन सके। दूसरी तरफ एक दिन अभी रोहन के घर में जाता है, और वहाँ पर रोहन के पेरेंट्स के साथ उसकी मुलाकात होती है। और रोहन के पापा अशोक को जब ये पता चलता है कि अभी उनके जैसा ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो वो बहुत खुश होते हैं, और वो अभी के सामने ही रोहन की इंसल्ट कर देते हैं। इसके बाद रोहन के बड़े भाई अजय की डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी, और सब थाईलैंड जाते हैं, और रोहन ने अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया था, और उसमें अभी भी शामिल था। लेकिन वहाँ पर जाकर भी सनाया देखती है कि रोहन तानिया के साथ फ्लर्ट करता है, और उसके साथ ही ज्यादा वक्त बिता रहा था। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, और अभी ये नोटिस करता है, और वो जाकर सनाया से बात करता है, और उसे कहता है कि रोहन अगर किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो सनाया को भी रोहन को जेलस फील करवाना चाहिए। और इसके बाद सनाया भी रोहन के सामने अभी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, और ये देखकर रोहन को बहुत बुरा लगता है, और वो अभी से जाकर बात करता है और सनाया से दूर रहने के लिए कहता है। और अभी तब रोहन को कहता है कि उसे जब सनाया को किसी और के साथ देखकर इतना बुरा लग रहा है, तो सनाया को कितना बुरा लग सकता है। इसके बाद रोहन को अपनी गलती समझ में आती है, और वो सनाया के साथ अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ ये पता चलता है कि इन कुछ दिनों में अभी भी सनाया से प्यार करने लगा है, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ कहता नहीं। इसके बाद सब वापस आ जाते हैं, और स्टूडेंट ऑफ द ईयर की कंपटीशन शुरू होती है, और फर्स्ट राउंड में एक क्विज टेस्ट, ट्रेजर हंट और एक डांस बैटल होने वाला था।
और फिर सब कंपटीशन में लग जाते हैं। और इसी बीच सनाया भी धीरे धीरे अभी से प्यार करने लगती है। तो दूसरी तरफ एक दिन अभी रोहन को अपने घर लेकर जाता है और रोहन अभी के दादी से मिलती है। इसके बाद अचानक रोहन की दादी की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। और रोहन की चाची हॉस्पिटल में भी रोहन को बहुत बुरा भला सुनाती है और उसे मनहूस कहती है। इसके बाद सनाया अभी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और वो उसे सपोर्ट करती है। लेकिन फिर अभी की दादी की मौत हो जाती है और अभी बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद सनाया अभी के पास आती है और उसे दिलासा देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये बात रोहन देख लेता है। और इसके बाद रोहन और अभी के बीच झगड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर हाथ भी उठाते हैं, लेकिन सनाया किसी तरीके से उन लोगों को रोकती है। इसके बाद जब रोहन गुस्से से अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसके पापा अशोक के साथ भी उसका झगड़ा हो जाता है और वो भी उस पर हाथ उठाते हैं। और इसके बाद रोहन घर छोड़कर चला जाता है और वो तय करता है कि वो भी अब ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन को सीरियसली लेगा और ये कंपटीशन जीतकर दिखाएगा। एक तो वो अभी को नहीं जीतने देना चाहता है और दूसरा वो अपने पापा को भी ये साबित कर दिखाएगा कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। इसके बाद कंपटीशन की तैयारी के वक्त सनाया के अपने बेस्ट फ्रेंड श्रुति के साथ और रोहन के अपने बेस्ट फ्रेंड जीत के साथ झगड़ा हो जाता है और सब अलग अलग इस कंपटीशन की तैयारियां करने लगते हैं। इसके बाद डांस कंपटीशन शुरू होता है जहां पर अभी और श्रुति पार्टनर्स होते हैं और रोहन और तानिया पार्टनर होते हैं और दूसरी तरफ सनाया जीत के साथ आती है। और फिर डांस कंपटीशन के दौरान सनाया अचानक अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो बीच में ही एक कंपटीशन छोड़कर चली जाती है। और सनाया के साथ साथ तानिया और सुडो नाम का एक और लड़का भी एलिमिनेट हो जाते हैं। सुडो एक पढ़ाकू लड़का था और वो कॉलेज में रोहन की तरह इतना पॉपुलर भी नहीं था, लेकिन वो अभिमन्यु को बहुत एडमायर करता था, इसीलिए धीरे धीरे वो लोग दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद कंपटीशन का फाइनल राउंड आता है जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला पार्ट था स्विमिंग और स्विमिंग करने के बाद उन लोगों को साइकिलिंग करना पड़ेगा और इसके बाद उन लोगों को दौड़ लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक एक करके सारे कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने लगते हैं और आखिर में रोहन और अभी एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं। लेकिन आखिर में देखा जाता है कि रोहन ये कंपटीशन जीत जाता है। और इसके बाद जब रोहन को उसका ट्रॉफी दिया जाता है तो वो ये लेने से मना कर देता है। लेकिन इसके बाद सुडो सबके सामने आता है और उसने शराब पीकर रखे थे और वो सबके सामने डीन को कहता है कि ये जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन इन्होंने रखा है वो सिर्फ अपने मजे के लिए रखा गया है, किसी भी स्टूडेंट का इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुडो जैसे लड़के जो कि अभी और रोहन के जैसे इस कॉलेज में पॉपुलर नहीं है वो तो कभी ये कंपटीशन जीत ही नहीं सकते हैं। और वो वहाँ पर डीन को बहुत कुछ सुनाता है और ये सारी बातें सुनकर योगी को भी बहुत बुरा लगता है और वो रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं और सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही सुडो, जीत, श्रुति और तानिया मौजूद थे। इसके बाद रोहन भी हॉस्पिटल में आते हैं और सारे फ्रेंड्स बहुत साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर आखिर में अभी और सनाया वहाँ पर आते हैं। अभी अब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है और सनाया और अभी ने शादी कर ली थी। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतने सालों बाद रोहन और अभी एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और वो दोनों अभी भी 10 साल पहले बातों को भूले नहीं थे। और रोहन अभी को कहता है कि उसने कंपटीशन में चीटिंग किया था। और फिर अभी एक सच रोहन को कहता है, वो कहता है कि जब वो लोग दौड़ रहे थे तब अचानक अभी ने रोहन के पापा अशोक को देखा था। अभी जीत रहा था और रोहन को हारते हुए देखकर उसके पापा बहुत खुश हो रहे थे और ये बात अभी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और उसके पापा को सबक सिखाने के लिए अभी थोड़ा स्लो हो जाता है और वो रोहन को ये कंपटीशन जीतने देता है। और फिर रोहन और अभी थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद उन दोनों में फिर से सुलह हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट
एक साथ मिलकर योगी से मिलने के लिए जाते हैं और योगी एक आखिरी बार उन सभी को देखते हैं और उनसे बात करते हैं। इसके बाद उनकी मौत हो जाती है और आखिर में हम देखते हैं कि रोहन और अभी अपने पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए एक बार फिर से दौड़ लगाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।